नमस्कार गाइस, स्वागत है हमारी चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्कोट सैशे दवा के बारे में। बात करेंगे ये दवा से मिलने वाली फायदे, खुराक दुष्प्रभाव और कुछ सावधानियां के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एप्कोट सैशे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर से आप आसानी से खरीद सकते हैं। एप्कोट सैशे दवा के मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है शील्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और कॉम्पोजिशन है माओवेनोसिटोल 2000 मिलीग्राम, फॉलिक एसिड 1.0 मिलीग्राम और चोलकैल्सिफेरॉल या विटामिन D3 1000 मिलीग्राम। प्राइस की बात करें तो एक सैशे का प्राइस है ₹39। प्राइस समय के अनुसार बदलता रहता है। एप्कोट सैशे महिलाओं के लिए एक पोषण पूरक है। यह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS से पीड़ित महिलाओं के लिए एक आदर्श पूरक है। PCOS आमतौर पर हार्मोनल असंतुलन और इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है। इसमें महिला के शरीर में मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और अंडाशय पर एक से ज्यादा सिस्ट होने लगते हैं, जिसके कारण मासिक धर्म अनियमित, बढ़ता वजन, अनचाहे अंगों पर बालों का उगना, बालों का झड़ना, बार बार गर्भपात होना और गर्भधारण में समस्या हो सकती है। विटामिन D3 में इंसुलिन प्रतिरोध को बेहतर बनाने में एक प्रभावी भूमिका है, जबकि फोलिक एसिड और माओवेनोसिटोल हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है। ये संपूर्ण डिम्ब्रंथि समारोह और ओव्यूलेशन में सुधार करता है। एप्कोट सैशे पाउडर सेवन से ये सब फायदे मिलती है, जैसे अनियमित मासिक धर्म को नियमित करता है, PCOS से जुड़े लक्षणों को कम करता है, गर्भावस्था को प्राप्त करने में मदद करता है, बांझपन के जोखिम को कम करता है, महिलाओं के चेहरे और अनचाहे अंगों पर बालों का उगना को रोकने के लिए ये दवा मदद करता है। एप्कोट सैशे की खुराक डॉक्टर के अनुसार ले, क्योंकि खुराक मरीज की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और इलाज की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक सैशे दिन में 1 से 2 बार भोजन के बाद 1 गिलास पानी में घोलकर सेवन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन गाइस अपनी डॉक्टर के सलाह अनुसार ही ले। एप्कोट सैशे के सेवन से कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, फिर भी कुछ कुछ मामलों में जैसी मतली या उल्टी हो सकती है, प्यास लगना लग सकता है, सिर दर्द और नींद में परेशानी हो सकती है, पेट में दर्द और थकान महसूस हो सकता है, मुंह सूख जाना और कब्ज हो सकता है, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है और एक बार इलाज शुरू होने के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन गाइस अगर ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा दिनों तक रहता है या गंभीर हो जाता है तो तुरंत अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें। एप्कोट सैशे का इस्तेमाल करने से पहले अपनी डॉक्टर को पहले से ले रहे सभी दवाएं, इलाज, सर्जरी और बीमारी के बारे में बताएं। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और गर्भधारण करने की प्लानिंग के दौरान अगर आपके डॉक्टर ये दवा लेने की सलाह दे तो ही ले। अगर ये दवा के किसी भी घटक से एलर्जी होती है तो डॉक्टर से बात करें। तो गाइस ये थी एप्कोट दवा से जुड़ी छोटी सी जानकारी, और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।